हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशाज इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे कपकेक, चॉकलेट कपकेक। और इसे हम बिना अंडे के, बिना ओवन के बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे हम ये केक। और ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत कम चीज़ों से बन जाता है ये केक। आप एक बार इस केक को अपने घर में ज़रूर बनाकर खाएं, कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और हम अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 1 कप मैदा ले लिया है, पिसी हुई चीनी ले ली है, ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकती है। ये हमने फ्रेश दही ले लिया है, ये दही हमने घर पर ही जमाया था। 1 गिलास दूध ले लिया है, बेकिंग पाउडर, चॉकलेट पाउडर, बस इन चीज़ों से ही हम बनाएंगे चॉकलेट कप केक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर को हम चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, 10 मिनट तक इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे प्री हीट करेंगे और कुकर के अंदर हम इस तरह का एक प्लेट डाल देंगे। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से हम प्लेट को कुकर के अंदर बिठा देंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। और कुकर के ढक्कन का हम सीटी और रबर निकाल देंगे और इसे इसके ऊपर बस रख के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देते हैं। तब तक हम अपना कपकेक का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में लेंगे दही, दो चम्मच दही ले लिया हमने, इसे अच्छे से हीट कर लेते हैं। अच्छे से बीट करना है जब तक इसके लम्स खत्म नहीं हो जाते। देखिए दही हमारा एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, हमने इसमें 3.5 चम्मच चीनी डाला है, इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथ बैटर हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला हमने, जैसे जैसे मिक्स कर ले। ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अभी इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और एक छन्नी ले लेते हैं। छन्नी में हम ले लेते हैं 1 कप मैदा, हम 1 कप मैदे से बना रहे हैं, आप चाहे तो क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकती हैं। इसमें हम एक छोटी चम्मच ले लेंगे बेकिंग पाउडर, और इसी चम्मच से हम 1/4 ले लेंगे बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा है। इनको अच्छी तरह से हम चाल लेंगे, इनको चालना बहुत जरूरी है। अब इसको हम इस बैटर में डाल देते हैं।
इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। देखिए बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है, हम इसे इतना गाढ़ा नहीं रखना है, इसमें हम दूध मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाना है, हम इसमें दूध डाल देते हैं। हमने 1 कप दूध लिया है और ये पूरा दूध इसमें लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं। इस बैटर को भी अच्छे से मिक्स करना है, इस बैटर को भी लम्स फ्री करना है। बचा हुआ दूध हम इसमें डाल देते हैं। देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ हो गया है। अब इसे हम ज्यादा नहीं फेटेंगे, नहीं तो केक हमारा अच्छे से फूलेगा नहीं। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है और कितना स्मूथ बैटर बना है हमारा। ये बैटर तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चॉकलेट कपकेक बना रहे हैं तो इसमें चॉकलेट भी डालना पड़ेगा, तो हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट पाउडर। डेढ़ चम्मच के करीब चॉकलेट पाउडर डाला हमने। अब इस चॉकलेट पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है चॉकलेट पाउडर को। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं और अपने ग्लास को ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि हम ग्लास में कपकेक बनाने वाले हैं। ये नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास है, आप चाहे तो इस तरह की कटोरी में भी बना सकते हैं। ग्रीस कर लिया है तेल को। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सूखा मैदा। इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा और मैदे को अच्छी तरह से ग्लास में फैला देंगे।
चारों तरफ से फैला देना है। ये देखिए अच्छे से मैदा कोट हो गया है, मैदा बाहर निकाल देंगे। इस तरह से दूसरे ग्लास को भी मैदे से कोट कर लेंगे। कुकर हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे। ध्यान से डालेंगे, हम कुकर को टच नहीं करेंगे क्योंकि कुकर हमारा बहुत गर्म हो चुका है। धीरे धीरे हमने तीनों को इसमें रख दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। धीरे से कुकर को हिलाना है, ज्यादा जोर से नहीं हिलाएंगे तो ग्लास हमारा गिर जाएगा। कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पे हम 25 मिनट तक अपने कपकेक्स को अच्छे से बेक होने देंगे। उसके बाद 25 मिनट बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, आइए हम अपने केक को देख लेते हैं। देखिए केक हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम एक कपड़े की मदद से इसे कुकर से बाहर निकालेंगे। ध्यान से कुकर को टच नहीं करना है, बहुत गर्म होगा कुकर। देखिए फूल के एक ग्लास के ऊपर तक आ गया है। कटोरी को भी हम निकाल लेंगे। कुकर को साइड में रख देते हैं, कुकर बहुत गर्म है। अब इस ग्लास को हम अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद इसके बाहर केक निकालेंगे। एक बार इसके किनारों को हम देखिए, केक हमारा बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। ये इतना फ्लफी भी बना है। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम ग्लास से बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। देखिए हमने ग्लास से केक को बाहर निकाल लिया है। केक हमारा कितना फ्लफी बना है, इसे हम दबा के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए सॉफ्ट और फ्लफी केक बना है। ये जो हमने कटोरी बनाया था वो वाला केक है, और ये दोनों ग्लास वाला है। इसे हम आपको कट करके भी दिखाते हैं। इसे हल्के हाथों से कट करेंगे, बहुत गर्म है ये। देखिए हमने इसे कट कर दिया, ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। एक बार इस केक को आप अपने घर में ज़रूर बनाकर खाएं, और कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।